अपने पौधे में अक्सर किसी न किसी पेस्ट का अटैक होता है। उनमें से एक कॉमन पेस्ट है एफिड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गुआभा यानी अनार के पौधे में एफिड्स का अटैक हुआ है। एफिड्स देखने में कुछ इस तरीके के लगते हैं और अगर सही टाइम पे इनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो अपने पौधे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे अगर आपके पौधे में एफिड्स का अटैक हुआ है तो आप उसे किस तरीके से ठीक कर सकते हैं इसके बारे में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे गुआभा प्लांट का एक ब्रांच में एफिड्स का अटैक हुआ है। एफिड्स देखने में कुछ इस तरीके के दिखते हैं और अपने पौधे के पत्तों के नीचे ये रहते हैं। एफिड्स के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे चींटियाँ भी अपने पौधे के ऊपर हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं चींटियाँ एफिड्स को खाने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफिड्स और चींटियाँ आपस में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं। एफिड्स के बॉडी से एक तरीके का लिक्विड निकलता है, इस लिक्विड को हनी ड्यू कहते हैं। ये जो हनी ड्यू होता है ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और इसे खाने के लिए चींटियाँ यहाँ पर आते हैं और इस हनी ड्यू को खाने के बदले चींटियाँ एफिड्स के अंडे को, एफिड्स के छोटे छोटे बच्चे को एक पौधे से दूसरे पौधे पर ले जाता है और इस तरीके से सभी पौधे में एफिड्स फैल जाते हैं। इसीलिए सही टाइम पर इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आप देखते हैं एफिड्स को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एफिड्स कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पर केमिकल मेथड का इस्तेमाल करूँगा। केमिकल मेथड इस्तेमाल करने का दो रीज़न है। पहला रीज़न यह है पौधे में एक बार पेस्ट का अटैक होने के बाद ऑर्गेनिक मेथड जैसे कि नीम ऑयल उतना अच्छा काम नहीं करता, इसीलिए केमिकल मेथड इस्तेमाल करने से हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा रीज़न यह है ऑर्गेनिक मेथड जैसे कि नीम ऑयल अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें बार बार स्प्रे करना होगा, लेकिन अगर हम केमिकल मेथड इस्तेमाल करते हैं तो एक स्प्रे में ही अपना काम हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर केमिकल मेथड का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक के बिना कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो नीचे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा। यहाँ पर मैं एफिड्स को कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोरोपीट 17.8% एसिल इस्तेमाल करूँगा। इसका डोज है हर एक लीटर पानी में 0.5 यानी आधा ml। मैं इसको बटल से निकाल के पानी में मिला लेता हूँ। अब मैं अपने पौधे में इसको अच्छी तरीके से स्प्रे करूँगा। स्पेशली पौधे के पत्तों के नीचे आप अच्छी तरीके से स्प्रे कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर कीड़े पौधे के पत्तों के नीचे ही अटैक करते हैं। आप अच्छी तरीके से अपने पूरे पौधे में इसका स्प्रे कीजिए और इसके साथ साथ आपके जिस पौधे में एफिड्स का अटैक हुआ है उसके आसपास के पौधे में भी इसको अच्छी तरीके से स्प्रे कीजिए। इसका रीज़न क्या है ये तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि चींटियाँ एफिड्स के अंडे को एक पौधे से दूसरे पौधे पर ले जाते हैं, इसीलिए आप अगर आसपास के पौधे में स्प्रे करेंगे तो एफिड्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। दो दिन के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पौधे से सभी एफिड्स और उसके साथ साथ सभी चींटियाँ ख़त्म हो चुका है। अपने पौधे में आप एक भी जिंदा एफिड मुझे नज़र नहीं आ रहा। इस तरीके से आप अपने पौधे में एफिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपीट का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।